हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेड ह्यूज हु इज़ अ ट्वेंटीथ सेंचुरी पोएट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट्स लाइफ हिज करियर द वर्क्स ही हैज रिटन एंड हिज थीम्स टेड ह्यूज़ इज जनरली नोन एज एन एनिमल पोएट तो जब भी हम किसी एनिमल पोएट की बात करेंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले टेड ह्यूज़ का नाम आना चाहिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बाय जिसका मतलब है मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सम पोएट्स हु आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू जी सी नेट फॉर अनसिन पैसेज या अनसीन पोएम आपको पता ही होगा कि नेट में एक अनसीन पोएम या पैसेज पूछा जाता है जिसमें नीचे चार या पाँच क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको उसी पोएम को इंटरप्रेट करके उनका आंसर देना होता है अगर आप उस पोएम को अच्छी तरह से समझते हैं या आपने पहले पढ़ी है तो आपका एनालिसिस बहुत ही करेक्ट होगा और आपके चार या पांच मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे हेयर आई हैिवन द नेम्स ऑफ सिक्स राइटर्स फ़र्स्ट है टेड ह्यूज़ जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे सेकेंड इज़ फ़िलिप लाकिन फ़िलिप लाकिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से भी इनकी जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जैसे विट्सन वेडिंग्स इनका कलेक्शन है एम्बुलेंस है ट्रीज़ है नेक्स्ट प्लीज है ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार इसमें से नेट में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं डिलन थॉमस है डिलन थॉमस की पोइम्स भी कई काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस उसके हो सकते हैं तो इस वजह से इनकी भी पोइम्स बहुत कई बार पूछी जाती हैं फोर्थ इज़ ए के रामानुजन ए के रामानुजन की पोएम है ऑबिटोरी एक बार पूछी गई है इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर सिल्विया प्लेथ इज इम्पॉर्टेंट सिल्विया प्लैथ जो कि टेड यूज़ की वाइफ थी सिल्विया प्लैथ की पोएम है डैडी ए रियल और उनके काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जो नेट में आ चुकी हैं एमिली डिकिन्सन की है सक्सेस है और बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ है और भी कई सारी पोएम्स हैं एमिली डिकिनसन की तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं इनके भी पोएम्स कई बार नेट में आ चुकी हैं और टेड ह्यूज की हॉक रूस्टिंग तो जब मैंने यू नेट का एग्ज़ाम दिया था तब भी आई थी तो ये पोएम्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये पोएट्स आप पढ़ लीजिए इनकी जो फेमस पोएम्स हैं वो आप पढ़ लीजिए हो सकता है कि बाई चांस कोई ऐसी पोएम आपके एग्जाम में आ जाए यू जी सी नेट के एग्जाम में आ जाए जो आपने पढ़ी हो एंड देन द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम वुड बी वेरी ईजी फॉर यू सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो अबाउट टेड यूज़ टेड यूज़ एक ट्वेंटी सेंचुरी पोएट हैं ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी यानी कि 1900 से 1999 तक को हम ट्वेंटी सेंचुरी बोलते हैं उनका बर्थ हुआ था 1930 में एंड ही डाइड इन 1998 नाइनटी एट हिज फुल नेम वॉज एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज ये नाम है उनका एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज ही वॉज़ अ ब्रिटिश पोएट ब्रिटेन के थे ब्रिटिश पोएट थे चिल्ड्रन्स राइटर बच्चों के लिए भी लिखते थे एंड ही वॉज अ ट्रांसलेटर एज वेल ही इज़ फेमस फॉर हिज एनिमल पोएम्स क्योंकि उन्होंने कई सारी पोएम्स लिखी थी जैसे क्रोपे लिखी थी थॉट फॉक्स उनकी एक पोएम है हॉक एंड द रेन उनका फर्स्ट कलेक्शन है

यानी कि ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के वो पोएट लॉरिएट थे पोएट लॉरीट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और कोई भी व्यक्ति जब पोएट लॉरीट बनता है तो ही इज़ गिवन ऑल द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफ राइटिंग पोएट्री फॉर इम्पॉर्टेंट ओकेजनस एंड ही रिमेन्स ऑन दैट पोस्ट टिल हिज डेथ तो टेड ह्यूज भी अपनी डेथ तक इस पोस्ट पर रहे थे वो बने थे पोएट लॉरीट एटीन में और नाइनटीन तक वो रहे थे अपनी डेथ तक ही वॉज मैरिड टू सिल्विया प्लेथ दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टेड यूज़ लाइफ दैट ही मैरिड सिल्विया प्लेथ सिल्विया प्लेथ का नाम अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा क्योंकि सिल्विया प्लेथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर है शी वॉज एन अमेरिकन पोइट ठीक है टेड ह्यूज ब्रिटिश थे और सिल्विया प्लेथ अमेरिकन थी दे मेट इन अ यूनिवर्सिटी एंड दे फेल इन लव एंड दे गॉट मैरिड आफ्टर सम टाइम so uh, he met her uh, in 1956 and in 2 3 months he married her to unki shaadi ho gayi thi 1956 mein and 1963 mein 1963 mein sylvia plath committed suicide at the age of 30 ये ऊपर जो दो pictures हैं ये सिल्विया Plath की हैं Ted ह्यूज़ के साथ और Ted ह्यूज़ को कई बार इनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया जाता है दैट ही वॉज वेरी वॉयलेंट विद हर कि वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थे हिंसक थे इनके साथ सिल्विया uh, प्लेथ के साथ ऐसा बोला जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेड ह्यूज़ की लाइफ कॉन्ट्रोवर्शियल भी इसी वजह से रही है बहुत ज़्यादा उनको अक्यूज़ किया गया था बट टेड ह्यूज़ वॉज सो डिप्रेसड आफ्टर सिल्विया प्लेथ्स डेथ कि उन्होंने तीन साल तक कुछ भी नहीं लिखा और उसके बाद तीन साल बाद वेन ही केम बैक ऑन द लिटरेरी सीन ही राइट ही स्टार्टेड राइटिंग फॉर चिल्ड्रन एंड रेडियो प्ले उन्होंने लिखे तो इस तरह की पोइम्स फिर बाद में उन्होंने लिखी एक और रीज़न था सिल्विया प्लेथ के डिप्रेशन का कि टेड ह्यूज का अफेयर था आसिया वेविल के साथ ये भी एक जर्मन ट्रांसलेटर थी टेड ह्यूज ओनली डेटेड हर उनसे शादी नहीं की थी आसिया वेविल से बट ही ओनली डेटेड हर और आसिया विविल ने भी सुइसाइड कर लिया था इस वजह से टेडी यूस को और ज़्यादा एक्यूज़ किया गया कि भाई दो लोगों ने तुम्हारी वजह से जो तुम्हारी लाइफ में थे एंड हु हैल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन योर लाइफ दे डिड सुइसाइड तो इसलिए टेडी यूस को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था और क्योंकि आसिया विविल ने सुइसाइड ही नहीं की थी बल्कि अपने साथ अपनी डॉटर को भी मार दिया था तो दोनों ने दोनों ने साथ में ही सुइसाइड कर लिया था अब डॉटर वॉज़ वेरी लिटिल Uh, बहुत ही छोटी उनकी बेटी थी यहां नीचे एक पिक्चर भी दी है सेकेंड वॉज कैरल ऑर्चर्ड जिनसे टेड यूज ने शादी की थी एंड ही मैरिड हर इन 1970 सेवेंटी सो फर्स्ट वाइफ वॉज सिल्विया प्लेथ सेकेंड वॉज कैरल ऑर्चर्ड और आसे तो सिर्फ उनकी मिस्ट्रेस थी थीम्स द themes that ted hughes has explored in his poems first he is a nature poet but not like wordsworth they say wordsworth poems will see daffodils or ishtaraki poems where he presents nature as a guide a philosopher a friend but not here here you will see the dark side of nature in ted hughes poems you will see that nature is presented in a very different way second theme is animals ही इज़ ऑफ एन कॉल्ड एन एनिमल पोइट डेडी उसको एनिमल पोएट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हॉक डॉग फॉक्स क्रो बर्ड्स इन सब के ऊपर पोएम्स लिखी थी और इनके थ्रू उन्होंने मैन काइंड को समझने की कोशिश की और एक तरह से मैन काइंड के नेचर और एनिमल्स और, uh, के नेचर में एक तरह का कंपेरिजन किया था ब्यूटी एंड वायलेंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ही डिड नाट टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड ओनली He also talked about the violence of natural world. Ki nature is not only a giver, but it also takes life sometimes. It is also violent. He presented the dark side of nature and death, pessimism ye unki poems. Mein zyada dekhne ko milega. He was obsessed with animals. So these are all the themes that Ted Hughes has explored in his poems. अब किसी भी राइटर की अगर आपको थीम समझनी है या ये राइटर किस तरह का लिखता है क्या इसका राइटिंग स्टाइल है या अगर किसी राइटर को आपको याद भी करना है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को तो आपको उसकी एक पोएम पढ़नी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई वुड सजेस्ट कि आप टेड ह्यूज की हॉक रूस्टिंग पोएम पढ़ें हॉक रूस्टिंग पोएम में क्या है कि हॉक को प्रेजेंट किया गया है जो बाज होता है हॉक होता है किस तरह से वो एक सबसे ऊंची डाल पे बैठा हुआ है और वो वहाँ से सब कुछ देखता है और अपने शिकार को भी देख रहा है और वो सोचता है कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन हियर एंड ही सेज़ दैट आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट ही सेज़ ओके दैट दैट हॉक इज काइंड ऑफ अ डिक्टेटर तो वह अपने नेचुरल वर्ल्ड में नेचर के अंदर अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वो वहां का राजा है एज इफ ही इज द किंग देर ही सेज दैट आई होल्ड क्रिएशन इन माई फूड एंड वट एवर गॉड हैज क्रिएटेड आई कैन किल दैट ऑल्सो ये पोएम एक एलिगरी है जिसमें मैन का जो नेचर है अ पर्सन हैजिक्टेटर लाइक एटीट्यूड इन इज़ लाइफ तो वो किस तरह से बिहेव करता है तो एक डिक्टेटर किस तरह से बिहेव करता है कि जैसे मैं चाहूँ वैसे मैं सबको चला सकता हूँ ठीक है तो इस तरह से नेचर ऑफ़ मैनकाइंड वर्सेज़ नेचर ऑफ़ एनिमल्स ये बहुत ज़्यादा आपको उनके पोएम्स में देखने को मिलेगा एक और पोएम है उनकी थॉट फॉक्स जिसमें वो बस एक जगह पे बैठे होते हैं अपने रूम के अंदर एंड ही सडनली सीज़ अ शेडो और उन्हें लगता है कि कोई फॉक्स या कुछ एकदम से आया एंड इट जस्ट वैनिश अवे और फिर सीधे चला जाता है वहाँ से तो वो एक तरह से इसमें पोएट्री किस तरह से प्रोड्यूस होती है किस तरह से आइडियाज माइंड में आते हैं और एकदम से चले जाते हैं एंड समटाइम्स अ काइंड ऑफ स्पार्क इज देयर इन योर माइंड अबाउट समथिंग सम आइडिया कम्स जस्ट लाइक दैट तो थॉट फॉक्स में इस तरह की थीम उनकी है इसके अलावा एक दो थीम और हैं जो मैं यहाँ लिखने भूल गई थी जैसे शामनिज्म है एंड माइथोलॉजी है ये भी बहुत ज़्यादा आपको इनके पॉइंट्स में मिलेगी नाउ टॉकिंग अबाउट हिज वर्क्स हॉक इन द रेन इज़ इज़ फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन तो पहला पोइट्री कलेक्शन था हॉक इन द रेन पहली ही पोएम में इन्होंने एनिमल थीम को ही एक्सप्लोर किया था ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिशिंग और बाकी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में अपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्टेड uh, रहे थे तो फर्स्ट इनका जो कलेक्शन था वो था हॉक इन द रेन हॉक इंदर इन एक ऐसा कलेक्शन था जो सबसे पहले इन्होंने एक पोइट्री कॉम्पिटिशन में प्रेजेंट किया था एंड ही गॉट फर्स्ट प्राइज देर सिल्विया प्लेट जो इनकी वाइफ थी उन्होंने इनको इंक्रेज किया था कि नहीं तुम अपनी पोएम्स को लिटरेरी सीन में लेकर के आओ सेकेंड इज़ ल्यूपर कैल ल्यूपर कैल नाइनटीन में आया ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मैंने बोल्ड में किया हुआ है ये ध्यान रखना आप लोग ल्यूपर कैल में ही हॉक रूस्टिंग पोएम है थर्ड इज़ वुडवो वुडो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक रेडियो प्ले है स्टोरीज भी हैं पोएम्स भी हैं ये वर्क ऐसा है वुडवो जिसमें प्रोज भी है और वर्स भी है पोएट्री भी है दोनों हैं क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें द द पोएट हैज़ टॉक्ड अबाउट द लेजेंड ऑफ क्रिएशन एंड डेथ और इस तरह की उन्होंने सारी इसमें बात की है और क्रो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल बनता है इस पोइम में

ये इन्होंने लिखा था लियोनार्ड बास्किन के साथ एक तरह से उनके साथ कोलेबोरेट किया था तो ही ही मेड पेंटिंग्स अबाउट इट एंड ही रोट पोएट्री तो इस तरह का एक है इनके में नेक्स्ट वाज चिल्ड्रन्स बुक्स दैट ही हैज़ रिटन द आयरन मैन है एक है वुल्फ वॉचिंग फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स और एक है सेलेक्टेड पोएम्स इनकी एक साथ जो पब्लिश हुई थी फ्रॉम 1957 फिफ्टी सेवन टू नाइनटीन टेल्स फ्राम कोविड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे वाइट ब्रेड प्राइज भी मिला था वाइट ब्रेड प्राइज़ जो है वो ब्रिटेन का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है लिटरेचर वालों के लिए नेक्स्ट इज फाइनल कलेक्शन इज द बर्थ डे लेटर्स दैट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन नाइनटी एट इट वॉज़ अबाउट हिज रिलेशनशिप विथ सिल्विया प्लेथ ये आपने याद रखना है एक तो इसमें एट्टी एट पोएम्स हैं दूसरा ये उनके सिल्विया प्लेथ के साथ किस तरह का रिलेशनशिप था उस पर है और जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सी सिल्विया प्लेथ और टेड्यूज़ के बारे में हुई थी उन सबको ये आंसर एक तरह से करती है एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू देअर टू चिल्ड्रन और ये उनके दो जो बच्चे हुए थे सिल्या प्लेथ के और टैड यूज़ के उनको डेडिकेट की है टॉकिंग अबाउट द लास्ट थिंग इन अवर पोएम दैट इज हिज़ पोएट्री जब भी टैड यूज़ की पोएट्री के बारे में आपको आ, बोलने को मिले यू कैन नॉट मिस दीज फाइव पॉइंट्स फर्स्ट इज दैट इज़ पोएम्स व टोपोग्राफिकल पोएट्री टोपोग्राफिकल पोएट्री का जो की वर्ड है ये भी एसोसिएट किया जाता है टेड यूज़ की पोइट्री से सेकेंड वॉज मूवमेंट पोएट्री एनिमल इमेजरी नेचर एंड हिज पोएम्स वर वेरी मच ओरिजिनल एंड वाइटल इस तरह की पोइम्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी द वे ही हैज़ टॉक्ड अबाउट नेचर जैसे आप अगर ट्री पोएम पढ़ोगे लाकिन की तो उसने एक तरह से कंपेयर किया है कि ह्यूम्स कैसे एज करते हैं और ट्रीज़ कैसे एज करते हैं और एक तरह से नेचर को एक इंस्परेशन की तरह प्रेजेंट किया है बट नो नॉट इन टेड ह्यूज़ यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ एटीट्यूड यू विल सी दैट ही हैज़ प्रजेंटेड द डार्क साइड ऑफ नेचर द वे ही प्रेजेंट्स हॉक एंड कम्पेयर्स इट टू अ डिक्टेटर इन ह्यूमन वर्ल्ड इट वॉज़ वेरी डिफरेंट टेड यूज हिमसेल्फ टॉक्ड अबाउट हिज पोएट्री एंड सेड माई पोएम्स आर नॉट अबाउट वायलेंस बट वाइटेलिटी तो टैड यूज ने बोला था कि मेरी पोएम्स सिर्फ वॉयलेंस हिंसा के बारे में नहीं हैं बट वाइटेलिटी के बारे में जिंदा दिली के बारे में हैं ठीक है बहुत ही वाइटल हैं बहुत ही लाइवली हैं